क्रिप्टो करेंसी तेजी से बढ़ रही है, मगर हर कोई इसके पक्ष में नहीं है। कई देशों ने इस डिजिटल टोकन में ट्रांजैक्शन और ट्रेड पर बैन लगा दिया है। आज जबकि कथित तौर पर दुनिया में 5000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं, एनालिस्ट और एक्सपर्ट अभी भी बिटकॉइन के मूल्य में तेजी से वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिटकॉइन दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा कीमत वाली क्रिप्टो करेंसी है। जहाँ देश अपने क्रिप्टो स्पेस को तेजी से बढ़ा रहा है, वहीं चीन, रूस और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों में इसे लेकर स्थिति उल्टी है। इन देशों में रेगुलेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का कहना है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग और हैक अटैक जैसे क्राइम से डरते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ ऐसे देशों पर जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया है। नंबर वन, चाइना। एक समय चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनर्स का ठिकाना था। क्रिप्टो करेंसी पर चीन के बैन का कारण स्पष्ट नहीं है। क्रिप्टो डेली यूज़ की एक रिपोर्ट का दावा किया गया है कि ये निर्णय एनर्जी के प्राइस को कम करने और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से जुड़ी ग्रीन हाउस फ्यूल एमिशन को कम करने के पक्ष में किया गया है। नंबर दो, बांग्लादेश। बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ये देश के फाइनेंशियल रेगुलेशन के विरुद्ध है। विदेशी करेंसी में ट्रेड, वह भी डेफी जैसी क्रिप्टो, बांग्लादेश में कानून लागू नहीं है। यदि कानून के उल्लंघन में कोई पाया जाता है तो क्रिप्टो ट्रेडर्स को इस एशियाई राष्ट्र में वर्षों की कैद का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा सी कॉइन गॉसिप्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है। नंबर थ्री, रशिया। सितंबर 2017 में रूस के केंद्रीय बैंक ने कहा था कि ये पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी को रियल मनी के स्वरूप में रेगुलेट करने के खिलाफ है। रूस में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए मार्केट साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले भविष्य में रूस क्रिप्टो करेंसी में व्यापार पर दोबारा विचार कर सकता है। नंबर चार, इजिप्ट। इस देश में इस्लामी लेजिस्लेटर के तहत मिस्र में क्रिप्टो करेंसी लेन देन बैन है। मिस्र के इस्लामी सलाहकार दार अल इफ्ता का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और इकॉनमी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है। नंबर पाँच, मोरक्को। मोरक्को के फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस ने जनता को सूचित किया था कि वर्चुअल करेंसी में लेन देन करना विदेशी करेंसी नियमों का उल्लंघन था। मोरक्को ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर बैन लगाने का निर्णय भी 2017 में लिया था। हालांकि हाल ही में मोरक्को में अवैध बिटकॉइन ट्रेडिंग के तेजी से बढ़ने की खबरें ऑनलाइन सामने आई हैं। टर्की, ईरान, अल्जीरिया, बोलिविया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, नेपाल और उत्तरी मैसेडोनिया जैसे अन्य देशों में भी हाल ही के दिनों में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में गति पकड़ रही है, स्थिति अब बदलना शुरू हो गई है और बहुत से देश आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन के उपयोग को अपना रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहें प्रो इन्फोज यूट्यूब चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।